हेलो दोस्तों, इस सेशन में बात होगी न्यूट्रिशन मोड्स टॉपिक के ऊपर। अब इस नाम से ही पता चलता है कि न्यूट्रिशन मोड्स बेसिकली वो तरीके हैं जिससे कोई एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और न्यूट्रिशन वर्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, बेसिकली वो तरीके जिससे हम फूड ऑब्टेन करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेली लेवल पे हेल्दी रह सके और लॉन्ग टर्म में उसको ग्रोथ मिल सके। इन्हीं मोड्स के बारे में डिटेल में बात होगी आज, तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब बात शुरू करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लाखों तरह की स्पीशीज हैं, उन सब के ही न्यूट्रिशन मोड्स दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, जिसमें पहला न्यूट्रिशन मोड है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं यूजिंग द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की जो एनवायरमेंट में चीजें हैं उसको यूज करके अपनी ही बॉडी में खाना प्रोड्यूस करता है। और ऑर्गेनिजम्स ये हैं सारे के सारे प्लांट्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे प्लांट्स की जो स्पीशीज है, लाखों स्पीशीज हैं, वो सब अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और वहीं पे न्यूट्रिशन का दूसरा मोड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। यानी कि वो अपना खाना अपनी बॉडी में तो नहीं बना सकता है। और ऑर्गेनिजम्स ये हैं एक दूसरे बड़े किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स, विच इज द एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स इस पूरी दुनिया में हैं वो सब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। ऑल्सो इन दोनों वर्ड्स की नेमिंग अच्छी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ट्रॉप शब्द का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, और हेट्रो का मीनिंग होता है अदर्स। तो बेसिकली आप इनके नाम से भी इनकी डिटेल रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि एक दो प्लांट्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, जो कि इस कैटेगरी में एक्सेप्शंस हैं। प्लांट्स जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप या फिर पिचर प्लांट, जो एक्चुअली दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। बट ऐसे सिर्फ कुछ गिने चुने ही प्लांट्स हैं। ये तो हो जाती है बात इन दोनों बड़ी कैटेगरीज की। अब इन दोनों बड़ी क्लासेस के अंदर अगर हम छोटी क्लासेस देखें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर तो और छोटी क्लासेस नहीं होती हैं, बट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर बढ़ता है और छोटे टाइप्स में, बेस्ड ऑन कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। जिसमें पहला टाइप आता है उन ऑर्गेनिजम्स का जो अपना खाना डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। और ये होता ऐसे है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो ऊपर रहता है या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहकर ही डायरेक्टली वहां से फूड कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक ब्लड, जैसे कि उसकी बॉडी से सीधा खून को पी लेना। एंड एट द सेम टाइम इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। नाम इस कैटेगरी का है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं जैसे कि लीच या फिर माइट्स जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, या फिर टेपवर्म और राउंडवर्म जो बॉडी के अंदर रहते हैं। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है उन ऑर्गेनिजम्स की जो अपनी बॉडी के बाहर ही खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हैं उसकी सिंपल फॉर्म में, और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। नाम इस कैटेगरी का है सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं जैसे कि बहुत अलग अलग तरह के फंगाई या फिर बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज। देन तीसरी और आखिरी कैटेगरी आती है उन ऑर्गेनिजम्स की जो खाना खाते तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है और कन्वर्ट उसको सिंपल फॉर्म में ही करते हैं, बट ये सारा काम इस बार बॉडी के बाहर नहीं उनकी बॉडी के अंदर ही होता है। नाम इस कैटेगरी का है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस कैटेगरी में आते ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ द कॉमनली नोन एनिमल्स। ये हो जाती है बात तीन तरह के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की। इस पॉइंट पे न्यूट्रिशन मोड्स की बात तो कंप्लीट हो चुकी है, बट बात को कंप्लीट करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर तीन कैटेगरीज और आती हैं जो एक्चुअली न्यूट्रिशन मोड्स तो नहीं है लेकिन वो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप जानते भी होंगे। ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म के टाइप्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड दैट दे कंज्यूम। जो खाना ये खाते हैं वो डिफरेंट होता है, जिसमें पहले ऑर्गेनिजम्स हैं हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स ये हो गए जैसे कि काओ, डियर, हॉर्स। वहीं पे दूसरी कैटेगरी है उन ऑर्गेनिजम्स की जो सिर्फ एनिमल्स को ही कंज्यूम करते हैं। नाम इस कैटेगरी का है कार्निवोर्स। और ऑर्गेनिजम्स इसमें आ गए जैसे कि लायन, स्नेक। और फिर आखिरी में आ जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। नाम इनका होता है ओमनिवोर्स। और इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस या फिर क्रो। ये हो जाती है हमारी बात छोटी और बड़ी न्यूट्रिशन मोड्स की क्लासेस की। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।